Hi guys, assalamu alaikum, welcome back to my channel Shahada's Cooking. आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं होममेड चॉकलेट सिरप और ये बिल्कुल बाहर की तरह बनके तैयार होता है। इसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और आप इसे किसी भी चीज़ों पे लगा के खा सकते हैं, जैसे कि आप चॉकलेट केक बना रहे हैं या फिर चॉकलेट आइसक्रीम है। बहुत ईजीली ये बन के तैयार होता है, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं शक्कर। आप चॉकलेट सिरप जितना मीठा रखना चाहते हैं आप उसी के हिसाब से यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल करें। और यह है कोको पाउडर और यह वही कोको पाउडर है जो हम केक में इस्तेमाल करते हैं, इसका रहना बहुत ही ज़रूरी है। और एक कॉर्नफ्लोर है, इसका भी रहना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से हमारा चॉकलेट सिरप बन के तैयार होता है। और एक गिलास हम पानी ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले इस कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल लेंगे। देखिए थोड़ा सा पानी हम ले रहे हैं और इसका हम घोल बना लेंगे। तो ये घोल बन के रेडी है, इसको हम रख देते हैं। और अब सबसे पहले ऐड करेंगे पानी और ये शक्कर ऐड करेंगे। आप चॉकलेट सिरप जितना बना रहे हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने ऐड किया है कोको पाउडर, इसे हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। इसका फ्लेम हमने हाई किया है और हाई फ्लेम पे इसे हम मिक्स कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोको पाउडर जो हमने ऐड किया है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए चॉकलेट सिरप में हमारे उबाल आ रहा है, इसको हम ऐसे ही पकाते रहेंगे। इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर का घोल। इसके डालने से ये चॉकलेट सिरप बहुत ही थिक हो जाता है, इसमें हम चमचा हिलाते रहेंगे। इसको हम 5 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहेंगे। जो कॉर्नफ्लोर का घोल हमने ऐड किया है उसकी स्मेल इसमें नहीं रहनी चाहिए। और ये हमारा चॉकलेट सिरप बन के तैयार हो चुका है, इसको हम छान लेते हैं। देखिए इसको एक बार छान लेना ज़रूरी है। इसके इस तरह छाने से हमारा चॉकलेट सिरप स्मूथ बन जाता है। माशाल्लाह हमारे यहाँ चॉकलेट सिरप बन के तैयार हो चुका है और ऐसी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे हम चॉकलेट केक बना रहे हैं या फिर आइसक्रीम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डालगोना कॉफ़ी में डेकोरेशन के लिए इसका रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका चॉकलेट सिरप बहुत ही लूज़ है तो आप इसमें और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, इससे आपका चॉकलेट सिरप और भी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।